अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम साद बिन खालिद फ्रॉम मकान सॉल्यूशंस। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो है सेवन वंडर सिटी और नोवा सिटी का कंपैरिजन। व्यूअर्स, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में परचेज करने जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का मार्केट के कंपेटिटर्स के साथ कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। वो कंपैरिजन किस लिए किया जाता है? ताकि आपको वैल्यू फॉर मनी का पता चल जाए। उस प्रोडक्ट की वैल्यू फॉर मनी क्या होगी उसके बारे में आपको अंदाज़ा इस चीज़ से हो जाता है। अब हम आते हैं सेवन वंडर सिटी और नोवा सिटी के कंपैरिजन की तरफ। क्योंकि ये दोनों सोसाइटीज़ आमने सामने हैं तो इन मैंने सोचा इसका कंपैरिजन मैं आपके सामने रखूं। और हमारे बहुत से कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स ने हमें क्वेरी सेंड की हैं कि यार आया हमें नोवा सिटी में या सेवन वंडर सिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इसका डिटेल कंपेरिजन आज 5 पॉइंट्स के बेस पर करूँगा, जिसमें 1 लोकेशन, 2 डिवेलपर, 3 लैंड, 4 डेवलपमेंट स्टेटस और 5 प्राइसेस को हम मेंशन करेंगे। अगर हम लोकेशन की बात करते हैं तो बोथ सिटीज लाइज इन द प्रीमिसेस ऑफ न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट। इसके अलावा दोनों सिटीज ही मेन सीपैक रूट, जिसको डीआई हकला खान मोटरवे कहते हैं, उस पर लाई करती हैं। अब यहाँ पर नोवा सिटी को थोड़ा सा एज हासिल है सेवन वंडर सिटी पे। नोवा सिटी का जो मेन गेट है बिल्कुल उसके सामने इंटरचेंज बनना है, डीआई हकला खान इंटरचेंज बनना है, और यहाँ से इसको इजी एक्सेस हासिल होगी अपनी सोसाइटी में। इसके लिए नोवा सिटी की मैनेजमेंट ने काफ़ी पे भी कर चुकी है गवर्नमेंट को, और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स पे भी इसकी वर्किंग हो चुकी है और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो चुके हैं। अगर हम बात करते हैं सेवन वंडर सिटी की, तो सेवन वंडर सिटी को भी इसी इंटरचेंज के थ्रू अपनी सोसाइटी में एक्सेस मिलेगा। क्योंकि सेवन वंडर सिटी नोवा सिटी से थोड़े से फासले पे है, तो इंटरचेंज से जो सेवन वंडर सिटी का डिस्टेंस बनता है वो ऑलमोस्ट 5 to 7 किलोमीटर बनता है। ये इसकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस में यहाँ पर माइनस सा इफेक्ट आता है। अगर हम बात करते हैं डेवलपर्स की, तो GFS जो कि सेवन वंडर सिटी को डेवलप कर रहे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेवलपर हैं, बहुत ही अच्छा इनका बैकग्राउंड है, ऑलमोस्ट 40 ईयर्स ऑफ रिच हिस्ट्री इनकी है, और काफ़ी प्रोजेक्ट्स ये डिलीवर कर चुके हैं लाहौर कराची में। इसके अलावा मेजर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कराची में इन्होंने सेवन वंडर सिटी कराची बनाई है, जो कि M9 मोटरवे के बिल्कुल एडजेसेंट साइड पे आती है। उसके अलावा मलीर टाउन रेजिडेंसी, जो कि मलीर कैंट के पास है। उसके अलावा 75 to 80+ इनके कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं मार्क्सन्स की। मार्क्सन्स का इस्लामाबाद, लाहौर और ओवरसीज़ लाइक दुबई एंड कतर में बहुत से प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं। उसके अलावा इनकी 70 इयर्स की रिच हिस्ट्री है, जिसमें इस्लामाबाद में इन्होंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं। अगर हम प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे, गुलबर्ग अंडरपास, उसके बाद PT-80 टावर जो कि यूफोन टावर एडजेसेंट टू सेंटोरस मॉल, उसके अलावा लथरार रोड और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो इनके प्रोफाइल में हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एज मार्क्सन्स को इस तरह से हासिल है कि वो एक तो इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, और इनको लेबर के बारे में, मटेरियल कॉस्ट के बारे में और इसके अलावा लैंड के बारे में काफ़ी नॉलेज है, जिसकी बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मार्क्सन्स थोड़ा सा बेहतर डिवेलपर है, या हम कह सकते हैं कि मार्क्सन्स अच्छी तरह से डेवलपमेंट इस एरिया में कर सकते हैं। अब हम आते हैं लैंड की तरफ। तो टोटल प्रीक्योर लैंड जो नोवा सिटी के पास अवेलेबल है वो अभी 20,000 कनाल है, जिसको ये एक्सटेंड करके 30,000 कनाल की तरफ लेके जाएंगे। उसके अलावा 15,000 कनाल पे के लिए NOC इन्होंने अप्लाई कर दिया है, जो कि इन नियर फ्यूचर ऑलमोस्ट 1 to 2 months तक इनका आ जाएगा। और अगर हम बात करते हैं सेवन वंडर सिटी की, तो उनके पास टोटल लैंड जो है वो है 10,000 कनाल, जिसमें से 1,200 कनाल इन्होंने न्यू हाउसिंग स्कीम के लिए दिया हुआ है, और 8,800 कनाल इनका अपने सोसाइटी के लिए। डेवलपमेंट स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो नोवा सिटी को काफ़ी एज हासिल है सेवन वंडर सिटी पर। नोवा सिटी का मेन गेट कम्प्लीटली तैयार है। उसके अलावा 2 किलोमीटर तक इनकी बुलेवर्ड, मेन बुलेवर्ड पर काम हो चुका है। उसके अलावा जो ब्राउनिंग और लेवलिंग का काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, और इनके मेजर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उस पर भी काफ़ी डेवलपमेंट ये कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेवन वंडर सिटी की।
सेवन वंडर सिटीज में अभी तक डेवलपमेंट शुरू नहीं हो सकी और इन नियर फ्यूचर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। अगर हम प्राइसेस की बात करते हैं तो बहुत से कस्टमर्स और बहुत से इन्वेस्टर्स वगैरह हमारे से क्वेश्चन करते हैं कि यार सेवन वंडर सिटी की जो प्राइसेस हैं वो नोवा सिटी की प्राइसेस से कम हैं। तो अगर हम उस टॉपिक पर बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सेवन वंडर सिटी की प्राइसेस कम है। इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा आपको कि नोवा सिटी की जो प्राइसेस हैं वो 5 मरला प्लॉट के लिए 19,95,000, जबकि सेवन वंडर सिटी की 5 मरला प्लॉट की कीमत 16,50,000। अब ये जो डिफरेंस है इसका मेजर रीज़न ये है कि नोवा सिटी के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो इन्होंने पहले से ही इंक्लूड कर दिए, जबकि सेवन वंडर सिटी ने अभी तक डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस नहीं किए। तो जब वो अनाउंस करेंगे तो या तो उनकी प्राइसेस नोवा सिटी की प्राइसेस के लेवल पे आ जाएंगी या इसको एक्सीड कर देंगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको नोवा सिटी में बुकिंग्स के हवाले से कोई भी मालूमात या क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।